परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 211,000, संरक्षक 111,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्ष रियान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन गुड़गांव। लेकिन वही बेटे तुम्हारी सांस गिरती हो सबको फोन लगा देते हैं, और आने वाला भी ऐसे बैठा रहता जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बोले बस अब निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं। वो भी ये नहीं कहता कल परसों निकलेंगे। बीमार था तो देखने नहीं आए, बीमार था तो एक आध बार चले गए, सगे संबंधियों के लिए जाना तो पड़ेगा ही नहीं, देख के चले आते हैं। और कितना गद्दार आदमी हो गया, पहले का आदमी जाता था तो कुछ ठीक ठाक चीज़ें लेके जाता था, अब फूल लेके जाता है कि मर जाओ तो श्रद्धांजलि, नहीं तो बैठे ही। आप समझो कितनी बेकार चीज़ें हम किसी को देखने जाते हैं। अरे हमारे अंदर दया परोपकार होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा होगा तो दया होगी। बाहर से तो तुम बोल लेते हो दया दया, आप लोग एक पढ़ रहे थे कि चादर या मैली कर देनी, हमने कि तुम मैले ही मैले हो। अरे जन्म जन्म में चादर पर भी धूल चढ़ जाती है, और हमारी चादर तो 84 लाख योनियों में सिर्फ 84 बार नहीं घूमी है, 84 लाख योनियों में हर बार भटकी है। हम वो अंधे व्यक्ति हैं जिनको कि डॉक्टर के पास तो जाते हैं, डॉक्टर कहता भी है कि अपनी आँख का उपचार कराओ, कहते हैं क्या करेंगे घर में 50 आँखें हैं, 25 लोग हैं, 50 आँखें हैं, अरे हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें हाथ पकड़ के ले जाएंगे। मैंने कि हाथ पकड़ कर नहीं ले जाएंगे, जिनको तुमने कंधों पर लगाया था वो तुम्हें कंधा देकर इतनी सीरी कर देंगे, जिनकी चिंता में तुम जले थे वो चिता में जला देंगे, जिनके लिए तुमने अपनी एक सांस की कीमत नहीं आंकी थी वो तुम्हारा पिंड दान करके पिंडा छुटा लेंगे। होते ना तिया तीसरा क्या कर देते हैं, आदमी जब तक जीता है तब तक उसे सत्य नहीं सुनाते हैं, जब सुनने वाला चला जाता है तो कहते राम नाम सत्य सत्य बोले गत्ते। हमने कहीं 2 घंटा पहले सुनाया होता इसको,
राम नाम कहो या अरिहंत नाम कहो, सुनने वाला तो चला गया। हमारे कितनी अच्छी परंपरा थी कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलेगा तो उसे लकड़ियों पर बांध कर निकाला जाता था कि ताकि आदमी समझ ले तेरी इज्जत नहीं, यही बेइज्जती होने वाली है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा सत्कार था, एक कफन पर मेरा सिर्फ रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने ही जा रही है सत्य। सत्य बोलो क्या अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। अरिहंत नाम जुबान से हम बहुत बोल लेते हैं, हम भगवान को कभी कभी धमकी भी दे लेते हैं, एक गांव पति जो होवे सो ही दुखी या दुखी खोवे, तुम तीने भुवन की स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। वो कब मना करते हैं कि तुम्हारा दुख नहीं मिटे, तुम चाहते ऐसे हो कि जहर भी खाते रहो डॉक्टर के पास भी जाते रहो। हम डॉक्टर के पास जाते ही ऐसे टाइम जब डॉक्टर की दुकान बंद हो, समझ गए। हम आते हैं मंदिर लेकिन अंदर की आंख बंद करके आते हैं, अंदर से कुछ नहीं दिखता है। और आते भी है सच बताना, ये मांगने आते हो ना, बेटा बेटी सुखी रहें, हम सुखी रहें, हम स्वर्ग जाएं, हम वहाँ यहाँ तो धन कमाया, वहाँ जाकर तो बिना बैठे बैठे खाएं, यहाँ तो एक पत्नी मिली थी वहाँ तो लाखों करोड़ों मिलेंगी, इसके लिए स्वर्ग जाना क्या? हमें स्वर्ग के कहीं नहीं जाना, अब जाना है तो मोक्ष जाना है। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमें उस जगह जाना, और उस जगह जाने के लिए अभी से परिणाम विशुद्धि बनाना होगी, क्योंकि आपने कल अर्ग पढ़े होंगे, कुछ अर्ग क्या पढ़े थे, कर्मों के नाश करने के लिए। क्या आपको ज्ञान नहीं है? आपने कभी सोचा कि आपने क्या किया जो ज्ञान नहीं है? आपने किसी को अंतराय के चल लाइट बुझा दे, अब तू पढ़ते ही रहोगे क्या, कितना पढ़ोगे, क्या करोगे? अरे शास्त्र में क्या रखा है वही तो कहानियाँ हैं, कहानियाँ है तो पता नहीं हुए कि नहीं। तुमने जानबूझ के ऐसे अंतराय डाल डाल के ज्ञानावरण का बंद किया। अब तुम्हें धर्म की एक बात याद नहीं होती है? एक अम्मा जी आई और बोली, माता जी तुम्हारी सौगंध मुझे कुछ याद नहीं होता है। मैंने कही हमारी सौगंध क्यों खा रहे? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए, या लोग भगवान की खाते हैं या साधु की खाते, तुम्हारी कसम। अरे अपनी खाओ ना, हमारी क्यों कसम खा रहे हो? लेकिन लोग रास्ते ही ऐसे ढूंढते हैं, तुम्हारी कसम। हमने कि कुछ याद है कि नहीं? तो बोली सात बेटे हैं। हमने कि बहुओं के नाम याद है? बोली हाँ। हमने कि पोते पोती के नाम है? बोली सत्ताईस हैं। सत्ताईसों के नाम बताए, जितों के ब्याह हो गए थे, कौन कौन गाँव की बहू आई वो बताया, कितना जेवर आया, किसकी शादी अच्छी हुई खराब हुई, कैसे समझी है। मैंने कहा इतना कबाड़ खाना बना रखा दिमाग को, भगवान का नाम याद करें? सोचो हमारी और आपकी स्मृति में भी कितनी बातें हैं। 50 साल पहले ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में ये हुआ था, इतना दिया था, इतना लिया था, इसने ऐसा व्यवहार किया था। अरे किया होगा ना, सब डिलीट करो, यही सब याद रखोगे तो परमात्मा क्या याद रहेगा? क्योंकि बाहर का कोलाहल इतना है कि अंदर का कोई हल समझ में नहीं आता है। दर्शनावरणी का बंद हमने किया है, कभी अपने श्रद्धान को दुकानदार पर है, ड्राइवर पर है, स्कूल पर, मास्टर पर है, धोबी पर है कि कपड़ा ही धो के लाएगा मंदिर में, बोले क्या पता मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कही सब जगह दो दो टके के आदमियों पर तुम्हारा विश्वास है, गाड़ी लेने के पहले सोचते हो क्या एक्सीडेंट हो गया तो, कुकर लाने के पहले सोचते हो फट गया तो, सिलेंडर लाने के पहले सोचते हो क्या फट गया तो, बच्चे को पढ़ाने के पहले सोचते हो नहीं पढ़ा तो, दुकान खोलने के पहले सोचते हो नहीं चली तो। सोचो जहाँ जहाँ बेईमान लोग बैठे हैं उन पर हमारा भरोसा है, जवान दे देते हैं जवान पर व्यापार चल जाते हैं। तुम्हारी लड़की नहीं जाती उसके पहले 2-4 लाख का सामान उसके घर में बिना लिखा पढ़ी के चला जाता है, और परमात्मा के दरबार में 10 रुपया भी डालते हैं तो ठोक ठोक के डालते हैं कि ताकि लोग देख लें कि हम डाल रहे। अरे डालो या नहीं डालो, हमारे आचार्यों ने तो कहा है जितनी शक्ति हो कीजिए, शक्ति प्रमाण। रुपया परमात्मा थोड़ी, परमात्मा को रुपये से मतलब है। लोग कहते हमने सोने का छत्र चढ़ाया था, हमने कि परमात्मा को तो सब धातु है, वो तो जानते हैं हकीकत
कि पीतल भी वहीं से निकलती है, सोना भी वहीं से निकलता है, सिर्फ सोना कम है इसलिए तुम्हें लगने लगा हमने सोना चढ़ाया। अरे सोना चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, कुंद कुंद स्वामी रैण सार में कहते हैं तुम अपने धन से कई लोगों की समाधियां करा दो। एक समाधि करा दोगे तो साक्षात सिद्ध बना दोगे, क्योंकि जो अवृत्ति मिथ्या दृष्टि है उसे अवलंबन दोगे। क्योंकि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आज का आदमी घी के टीन ला सकता है लेकिन घी खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है, क्योंकि हमने गाने तो कौन से भजन याद नहीं, किसी से कह दो भजन सुनाओ बोले कोई किताब ले आते हैं, हमारे घर में किताब रखी है। सोचो इतने बड़े दिमाग में कंप्यूटर में भगवान के दो लाइनें याद नहीं, एक बिनती याद नहीं है, बच्चों को कितने पोयम याद करा देते हो। और यदि धर्म के नाम पर कहो, हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि धर्म बड़ी चीज़ है। हमारे बच्चों को हमने शुरू से जब गर्भ में थे पेट में थे जन्म हो गया तब से क्या कहा, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अफसर बनाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे, कभी सोचा कि हम परमात्मा बनाएंगे संसार में। यदि मेरी संतान आएगी तो संसार की संतति को नष्ट करके जाएगी। आपका जीवन अच्छा नहीं है, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और कोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। बाप टीवी पर सीरियल गंदे गंदे सीरियल देख रहा होगा तो बेटा क्या धर्म स्वाध्याय में जाएगा। अरे गर्भ में ही बच्चा 50% सीख लेता है, उसके बाद 4 साल के अंदर तो वो सीख लेता है जो 80 साल तक उसके कैमरे की रील में से डिलीट नहीं होगा, दिल के कैमरे से। अब आप बताओ 4 साल तक क्या सिखाते हो, इसको हप कर दे, इसकी चीज़ छीन ला, इसको मार दे, इसको ये सब सिखाते हो। फिर कहते हो माता जी बच्चे मानते नहीं, कभी कभी तो लोग कहते हैं माता जी बहुत क्रोध करता है। हमने कि प्रेम की संतान होता तो प्रेम से होता, क्रोध की संतान है तो क्रोध ही तो दिखाएगी। आप हमेशा ध्यान रखना अपनी बच्चियों को कलाकारिणी बनाकर नहीं भेजना, कल्याणी बनाकर भेजना। चिलम बनाकर मत भेजना कि खुद भी जले और दूसरों के कलेजे जलाएं, उन्हें सुराही बनाकर भेजना कि अपने आप भी ठंडी रहें औरों को भी शीतलता दें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बच्चे सुखी रहें, अरे बच्चे सुखी ऐसे रहेंगे, आज बच्चों का जीवन नरक बना दिया हमने अपनी अज्ञानता से। आज मोटिवेशन वालों के पास जाते हैं कि कुछ उन लोगों से सलाह लो टेंशन कम हो जाए, हमने कहा हमारे आचार्यों ने करोड़ों वर्ष पहले कह दिया, करोड़ों क्या अनादि काल से शास्त्रों में यही तो लिखा है कि असाता का बंद करने के लिए क्या करना, असाता का बंद नहीं करना है तुम्हें, निरोध करना है, संबर करना है। यदि असाता का जो आप आज दुनिया जान रही है, हमें टेंशन रहती है, हमारे होते हुए काम नहीं होते, हमें कोई मानता ही नहीं, हमारी इज्जत नहीं करता, तो फिर क्या करो, दुख मत करो, शोक मत करो, आक्रंदन मत करो, किसी को वेदना मत दो, किसी को दुखी मत करो। यही तो साता वेद आपको पता है, यही ये सब नहीं करेंगे तो साता वेदनी का आश्रय होगा, और ये सब करोगे तो असाता वेदनी का आश्रय होगा। हमारे आप चाहते हैं कि आपकी बहुत प्रशंसा हो, आप सबसे ऊंचे शिखर पर रहें, तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा, पर की निंदा मत करना, लेकिन सच बताना हमारा जितना समय प्रशंसा में जाता है उससे चौगुना समय निंदा में जाता है। यदि कोई मंदिर में भी दान भी दे रहा है तो अंदर से क्या लगता है, कैसे इसके चेहरे को काला करूं, बोले अरे बेईमानी का रहा है तो दे रहे क्या बड़ी बात है। कोई उपास कर रहे कह लें ये 4-6 रोटी तो एक बार में खा ले, हम खा लें उस दिन तो हम 10 उपास कर लें, ये क्या अंदर की ईर्ष्या बोल रही है, अंदर का कलेश बोल रहा है। किसी की चढ़ती बेल को, किसी के कोई बच्चे को देखने आए, बच्चियों को देखने आए, अरे बोले हम तो क्या बताया बाप, आप ही देख लो बस, इसमें ही तुमने जहर घोल दिया। अरे तारीफ करो किसी की, अपना बेटा शराब पीता हो तो पानी नजर आता है, और दूसरे का बेटा पानी पीता हो तो शराब नजर आती है। अरे सबका भला हो। जीसस से किसी ने पूछा था कि स्वर्ग में
आपका स्थान तो परमात्मा के बगल में होगा, हमारा स्थान कहाँ होगा? उन्होंने कहा था हमारा स्थान सबसे पीछे होगा। हमारे आचार्य भी तो कहते हैं विशेष मत बनो, अशेष रहो विशेष हो जाओगे। क्या नाम चाहिए, क्या काम चाहिए, यहीं छूट जाते हैं। सिकंदर जैसो के नाम नहीं रहे, हमारे नाम कौन लेगा? और इस नाम के लिए क्या करना, इस नाम के लिए और पर्याय चाहिए क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्ष रियान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2,100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010002429, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।